ब्रो बहुत अच्छा सीन लग रहा है लेकिन यार। और आज हम लोग पहुंच गए नई दिल्ली की गलियों में, और आज पुरानी दिल्ली है ब्रो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सोच रहे हैं कि आप दूसरे चैनल पे आ गए, बट ऐसा है नहीं दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपको दिखाएंगे रमजान के मौके पे जामा मस्जिद के अंदर का सीन, और वहाँ कैसा सीन होता है, वहाँ कुछ फोटोग्राफी करेंगे। आपको फोटोग्राफी के लिए भी वहाँ पर जा सकते हैं। अभी का महीना बहुत सही है क्योंकि वहाँ पर एकदम दिवाली सा सीन होता है, हमारी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत स्पेशल त्यौहार है। तो चलिए देखते हैं, और आपको सामने वाली गली भी घुमाएंगे जहाँ पर मोहब्बत के शरबत मिलता है, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट रहता है। और देख सकते हैं दोस्तों कितना अंधेरा हो गया, हमारी शक्ल आपको दिखेगी नहीं, इसलिए हम ब्लॉग आपको आगे दिखाएंगे। 2000 years later. तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में भीड़ देख सकते हैं आप, क्या बोल रहे थे आप? यदि आप रात को आते हो तो ध्यान करने की कोशिश करें, क्योंकि रात में नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो शूटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें हल्के शाम में ही, ये थोड़ा शाम में है ना, और आप नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग करने के लिए आपको ज़रूरत है आपका पेट भरा हो और आप डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए आप पानी पीते रहिए। और यहाँ पे हमने क्या पिया, कौन शरबत था? मोहब्बत शरबत। तो मोहब्बत शरबत का हमने घीट लगाया और हम यस भाई साहब कह रहे हैं कि ब्लॉगर लोग बदनाम। देखिए ब्लॉगर लोग बहुत बदनाम है इसलिए क्योंकि वो भले कुछ ना करे, कुछ खाए ना खाए, कुछ पिए ना पिए, दुकान पर रुक के वीडियो जरूर बनाएगी, जिससे दुकान वाले कभी कभी नाराज हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ में अच्छा और ख़राब होता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप के कंज्यूमर हैं, आपको उसी टाइप का कंटेंट मिलता है। जो भी क्रिंज यूट्यूबर होते हैं जो कहेंगे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आपको ये नहीं ऐसे ब्लॉगर्स देखिए नहीं, उसको क्रिंज नहीं कहते, उसको कहते हैं जोश के साथ जनता का स्वागत करना अपनी, तो वो करते हैं हम, समझे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पहुंच गए हैं नई दिल्ली की गलियों में, और आज पुरानी दिल्ली है ब्रो। हाँ, और आज हम पहुँच गए हैं पुरानी दिल्ली की गलियों में, माल फूक के तभी हमको नई दिल्ली लग रही है ना। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है वाली है, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग के जरिए। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे का सीन है, ऊपर सजावट लगी हुई है और हम गली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या बोलेंगे गौरव जी? हम बोलेंगे बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। देख सकते हैं पूरा सजावट कैसा है गलियों में। थोड़ा बहुत अच्छा सीन लग रहा है लेकिन यार, और यहाँ पर सेवैयाँ ही सेवैयाँ बिक रही हैं ना गौरव जी। आइए कभी सेवैया खाने का मन हो तो पुरानी दिल्ली चले जाएं। इतना नहीं काका, यहाँ है सीन देखने वाला है ना। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद के अंदर, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर व्यू मिल रही है, और शाम ढल चुकी है इसलिए हम यहाँ पर फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं शाम ढलने के कारण यहाँ पर जो ये लाइटिंग्स हैं साथ चारों तरफ लगी हैं वो भी देखने लायक ही बन रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है तो लोग यहाँ पर अक्सर घूमने आते हैं, और हम आपको कुछ फोटोज़ दिखाते हैं जो हमने यहाँ पर ली। तो चलिए देखते हैं फोटोज़। तो हम लोग रात में बहुत जोश आ चुका है और हम रोड पे निकल चुके हैं नाइट फोटोग्राफी करने। देख सकते हैं हमारा कैमरा ब्लॉगिंग क्लिक करने के लिए हम लोग कितना खतरा उठा रहे हैं, आपको क्या लग सकता है? देखिए ब्लॉगिंग करने के आपके लिए ही से बिल्कुल इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए तो दवा की लाइक कीजिए, दवा की कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए, बस यही तो करना है आपको।